बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने सोमवार को राहुल गांधी समेत विपक्ष के दूसरे नेताओं के श्रीनगर जाने पर ट्वीट करके एतराज जताया है। मायावती ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी एवं अन्य नेताओं का बिना अनुमति के कश्मीर जाना क्या केंद्र व वहां के गवर्नर को राजनीति करने का मौका देने जैसा कदम नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वहां पर जाने से पहले इस पर भी थोड़ा विचार कर लिया जाता तो ये उचित होता। जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद विपक्ष बटा हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। जेडीयू, डीएमके, टीएमसी, राजद, वामदल और एनसीपी जैसी पार्टियों ने भी इस विषय पर सरकार का विरोध किया है, लेकिन मायावती ने तमाम विपक्षी दलों को चौंकाते हुए केंद्र सरकार के इस कदम का समर्थन किया है। मायावती ने आज एक बार फिर ट्वीट करके कहा है कि जैसा कि विदित है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमेशा ही देश की समानता, एकता और अखंडता के पक्षधर रहे हैं, इसलिए वे जम्मू कश्मीर राज्य में अलग से 370 का प्रावधान करने के कतई भी पक्ष में नहीं थे। इसी खास वजह से बीएसपी ने संसद में इस धारा को हटाए जाने का समर्थन किया, लेकिन देश में संविधान लागू होने के लगभग 69 वर्षों के उपरांत इस धारा 370 की समाप्ति के बाद अब वहां पर हालात सामान्य होने में थोड़ा समय अवश्य ही लगेगा। इसका थोड़ा इंतजार किया जाए तो बेहतर है, जिसको माननीय कोर्ट ने भी माना है। मायावती के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर एक नई चर्चा शुरू होती दिख रही है। ट्विटर यूजर प्रशांत कनौजिया ने मायावती के इस ट्वीट पर सवाल उठाया है। अनुच्छेद 370 पर डॉक्टर अम्बेडकर के रुख को लेकर बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर विवाद जारी है। बहुजन चिंतकों का मानना है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी 370 को लेकर इस तरह का बयान नहीं दिया है। कुछ दिनों पहले द हिंदू अखबार में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का लेख प्रकाशित होने के बाद ये विवाद शुरू हुआ है। इस लेख में उपराष्ट्रपति नायडू ने डॉक्टर बीआर अंबेडकर के एक कथित बयान का जिक्र किया है, जिसमें वे अनुच्छेद 370 का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस लेख के प्रकाशन के बाद इसे गलत साबित करने की कोशिश की गई है। द वायर में छपे लेख में बताया गया है कि दरअसल ये बयान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पत्रिका ऑर्गेनाइजर से लिया गया था और इस बयान के स्रोत जम्मू से आने वाले बलराज मधोक थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने कश्मीर पर कभी ऐसी बात नहीं कही।